दोनों हर हर महादेव। आज पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अपने प्रयागराज में मनाया गया देव दीपावली और मानो आज के दिन में महादेव स्वयं ही हमें नंदी स्वरूप में मानो उन्होंने साक्षात दर्शन दिए। तो आज के दिन में हम कोई भी प्लानिंग नहीं था कि हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे और क्या चीज़ें करेंगे। और वो कहते हैं ना, जिनके साथ में महादेव होते हैं ना, उनके लिए रास्ते निकल ही आते। तो बोलो हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो अभी जस्ट हम लोग आए हुए हैं देव दीपावली, जो कि हम अपने प्रयागराज में मनाई जा रही थी, लेकिन थोड़ा सा हम लोग लेट हो चुके हैं, तो इस वजह से सारा का सारा सीन आपको रिकॉर्ड करके नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन फिर भी जो चीज़ें अभी बची हुई हैं इस देव दीपावली में, मतलब कवर करने के लिए, वो सारी चीज़ें कवर करते हैं और दिखाते हैं आपको। और थोड़ा सा लेट तो हैं हम लोग, लेकिन फिर भी जो चीज़ें कवर कर पाएंगे वही सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं आज के इस ब्लॉग में। और आज हमारे साथ में ज्वाइन कर रहे हैं बोले, इधर बोले तो साथ में हैं, और सारी चीज़ें जो भी चीज़ें हैं अभी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको रिकॉर्ड करके दिखाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो रंगोली वगैरह बनाई गई थी और जिनको दिए से प्रॉपर सजाया गया था, हालांकि मैं अभी लेट हूँ तो दिए वगैरह बुझ चुके हैं, लेकिन रंगोली वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके की कलाकृति करी गई थी इस बारी। आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें, काफ़ी अच्छी तरीके से इस रंगोली को दिए से कवर किया गया था और काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर लग रहा होगा जिस टाइम पे दिए जल रहे थे, लेकिन अभी हम लोग लेट हो चुके तो नहीं रिकॉर्ड कर पाए। तो फिलहाल आगे की साइड में दिए जल रहे हैं, तो आइए चलिए उसको रिकॉर्ड करते हैं। आज पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पूजा किया, दीप दान किया और माँ भगवती जगतचंडी। अभी गाइस जस्ट हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और थोड़ा सा आगे की तरफ भी चलते हैं और दिखाते हैं जो चीज़ें थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं इस ब्लॉग में। आप देख सकते हो ऐसा कुछ था जहाँ पे दुर्गा आरती वगैरह की गई थी, गंगा आरती मतलब। अभी चलते हैं फिलहाल यहाँ से आगे की तरफ और देखते हैं कि और क्या चीज़ें कवर की जा सकती है। गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं उस लोकेशन पे जहाँ पे देव दीपावली के लिए सारी सजावट वगैरह, सज्जा वगैरह करी गई थी। तो आइए आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ और कुछ सिनेमैटिक व्यूज़ बनाते हैं यहाँ के, तो आपको चीज़ें दिखाता हूँ मैं पहले आपको। चीज़ें बहुत थी यहाँ पे शूट करने के लिए, बट थोड़ा सा लेट हैं तो ये सारी चीज़ें नहीं रिकॉर्ड कर पाए। फिलहाल अभी गेट से जस्ट एंटर कर रहे हैं और जो भी बचा कुछ है वो दिखाते हैं आपको। गाइज अभी कुछ चीज़ें आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो भी था वो सारी चीज़ें लगभग लगभग मेरे हिसाब से तो ख़त्म हो चुकी हैं, और जो दिए वगैरह चल रहे थे वो भी ख़त्म हो चुका है, मतलब दिए जो चल रहे थे। तो अभी जो भी हम रिकॉर्ड कर पा रहे हैं वो सारी चीज़ें कवर करके आपको दिखाते हैं इस ब्लॉग में। और हाँ, पीछे मूर्ति बनाई गई है मिट्टी की, काफ़ी सही लगी मुझे, काफ़ी बढ़िया लग रहा था, बोलो शंकर जी की मूर्ति बनाई गई थी। तो ये चीज़ें और ऐसा कुछ है, फ़ोटोज़ वगैरह के लिए सारी चीज़ें बनाई गई हैं और दिए जो जलाए जा रहे थे वो इस जगह पर जलाए जा रहे थे। और आप सामने की तरफ में घाट देख सकते हो, अभी भी कुछ दिए घाट के अंदर में जल रहे हैं और थोड़े बहुत दिए इस साइड में भी जल रहे हैं। तो आइए चलते हैं थोड़ा सा आगे और दिखाते हैं आपको कुछ चीज़ें, है ना। चले चलते हैं गाइस। गाइस आप ये देख सकते हो काफ़ी लेट हुए हम लोग, लेकिन फिर भी लोग हैं यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है अभी यहाँ पे इस संगम किनारे, संगम तट पे। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और जो चीज़ें थोड़ा बहुत है वो रिकॉर्ड करके दिखाते हैं आपको। ये गाइस ऐसा कुछ सीन है आज अपने प्रयागराज का,
देव दीपावली का काफ़ी सही लग रहा है, मतलब काफ़ी लेट में आने के बावजूद भी ये काफ़ी मतलब सही और काफ़ी अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पे। तो अभी सामने के साइड में थोड़ी सी आतिशबाजियाँ चल रही थी तो उधर ही चलते हैं, थोड़ा बहुत कुछ रिकॉर्ड करते हैं और फिर निकलते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि लेट हो जाएगा हमें यहाँ से रिटर्न जाते जाते, है ना। और अब ये देखो क्या सही लग रहा है, संगम का अपना ही घाट। तो गाइस जो भी चीज़ें थी यहाँ पे, जो भी दिए वगैरह चल रहे थे वो लगभग 90% बुझ चुके हैं, 10% ही दिए जल रहे हैं, थोड़ा सा लेट हुए हम लोग इस वजह से नहीं रिकॉर्ड कर पाए कुछ भी। फिलहाल ये जो भी था, जो लोग यहाँ पे होंगे काफ़ी अच्छी वाइब रही होगी यहाँ पे इस देव दीपावली की। तो अभी हम लोग यहाँ से क्या है घर की तरफ निकल रहे हैं और बस यही चीज़ें थी जो थोड़ा बहुत हम लोग रिकॉर्ड कर पाए, आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी। तो अभी घर की तरफ निकलते हैं और कंप्लीट करते हैं इस ब्लॉग को। तो इस देव दीपावली का हिस्सा बन करके हम बनने के बाद हम आ गए मनकामेश्वर मंदिर। और मनकामेश्वर मंदिर हालांकि हमारा कोई प्लान नहीं था, लेकिन मानो आज साक्षात महादेव की कृपा से हमारे मन के अंदर में ये विचार आया कि आज मनकामेश्वर मंदिर चलते। और वाकई में मनकामेश्वर मंदिर हम ऐसे टाइम पर पहुँचे जिस टाइम पर महादेव की आरती हो रही थी, और महादेव की आरती के बाद में फिर जो इंसिडेंट हुआ है ना हमारे साथ में, मानो एकदम गूज बम्स ही आ गए। तो आइए दिखाते हैं आप ये सारी चीज़ें। गाइस अभी हम लोग काफ़ी सही टाइम पे मनकामेश्वर मंदिर पहुंच गए थे और आरती का टाइम पे तो आरती वगैरह ले ली है। तो अभी पूरे मंदिर को जल्दी दर्शन करते हैं, फिर निकलते हैं। तो दर्शन के बाद मानो साक्षात भगवान शंकर नंदी स्वरूप में बाहर खड़े थे और सभी भक्तजनों को अपने वास्तविकता का अनुभव करा रहे थे। और ये अनुभव हमने भी किया, और फिर इसके बाद में जो गूज बम्स आए वो मानो एक नेक्स्ट लेवल वाली वाइब क्रिएट कर रहे थे। गाइस अभी सीन कुछ ऐसा क्रिएट हुआ, आरती के बाद में हम लोग जैसे ही मंदिर से बाहर निकले तो हमें दर्शन हुए नंदी महाराज के। तो काफ़ी सही वाइब था, और मतलब ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ भी होता है, और ये चीज़ें देखने के बाद में थोड़ा सा बिलीव होता है गॉड की तरफ। और हालांकि पहले से ही है, लेकिन ये चीज़ें जब मतलब हम मतलब सोशल मीडिया वगैरह पर शेयर करते हैं तो लोगों के अंदर में भी बिलीव आता है इस चीज़ को लेकर। खैर ये चीज़ हमने आँखों से देखी साक्षात। तो फिलहाल अभी जस्ट लेट हो रहा है, तो अभी निकलते हैं हम लोग घर की तरफ, है ना। निकलते हैं ना घर की तरफ, पक्का पक्का चेक कर लिए शूज़ हैं कि नहीं, है ना। तो गाइस अभी जस्ट आ चुके हैं अपने घर पे और इस ब्लॉग को लगभग बस एंड ही कर रहे हैं। और आज के दिन में कुछ ऐसी घटना हुई हमारे साथ में कि हम जैसे ही मनकामेश्वर मंदिर से बाहर निकले और हमने देखा कि नंदी महाराज यानी कि एक बैल था, काफ़ी हट्टा कट्टा बैल था, वहाँ पे खड़ा हुआ था बाहर के साइड में। तो आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और वाकई में ऐसा मेरे साथ में फर्स्ट टाइम हुआ है, और ये चीज़ मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था इस चीज़ को लेकर के। और जितने भी लोग थे वहाँ पे लगभग उस बैल को नंदी महाराज मान कर के ही सब दर्शन कर रहे थे, और बिल्कुल ये चीज़ें मतलब है, ये तो थोड़ा बहुत तो रिलेट हो ही रही। और उस टाइम पे मतलब बिल्कुल मतलब ऐसा फील आ रहा था कि मानो साक्षात नंदी महाराज के स्वरूप में महादेव दर्शन दे रहे हो। तो फिलहाल बस यही चीज़ें थी जो आपके साथ में शेयर करना चाहता था, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ मिलते हैं आप सभी से एक नए ब्लॉग में।